ओके बच्चों, हम अगला फिनोमिना देख लेते हैं। नेक्स्ट फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज, हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फिनोमिना है वो क्या है? देख, थर्ड फिनोमिना क्या है? वाटर टैंक अपीयर्स टू बी राइट। ओके, द बॉटम ऑफ टैंक, वाटर टैंक अपीयर्स टू बी राइट। हमें पता है कि किसी भी पात्र में या कंटेनर में या टैंक में अगर वाटर फील्ड होता है तो हम अगर उसको ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि उसका जो बॉटम है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, राइज हो जाता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो टैंक की जो एक्चुअल जो डेप्थ है हमें उतनी डेप्थ नज़र नहीं आती है, हमें ऐसे लगता है कि उसकी डेप्थ क्या होगी, डिक्रीज हो गई है। ओके, ये जो होता है वो ड्यू टू द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता है। जो बॉटम जो है वो एक्चुअल में तो वहीं पर है बट हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और उस जो उस बॉटम की जो एक्चुअल जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो लाइट के रिफ्रेक्शन के कारण ही होता है। ओके, क्यों उठता है, क्यों हमें उठा हुआ दिखाई देता है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कोई वाटर टैंक है, ये हमारे पास कोई बाल्टी है या कोई पात्र है, कोई टैंक है या कोई कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है। ओके, इसका एक्चुअल बॉटम यह है, अगर इसकी एक्चुअल अगर हम डेप्थ देखें तो इसकी एक्चुअल डेप्थ हमने H2 ले ली। दिस इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ दिस टैंक, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, बोले तो ये इसकी वास्तविक गहराई होगी, इसकी वास्तविक गहराई। ओके और नॉट ओके। अब देखिए एक्चुअल बॉटम यहां पर है। ओके, हम वहां से इसको ऊपर से इसको अगर सीन करेंगे तो यहां पर हमने एक आईज बना ली, ऊपर से इसको हम सीन करेंगे ऊपर से हम सीन करेंगे तो देखो एयर, ये जो आई होगी वो कहां होगी, एयर में होगी, कहां होगी, एयर में। ये थोड़ी है कि हम वाटर के अंदर ऐसे मुंह डालकर देखेंगे, आइस तो अपनी एयर में ही होगी। ओके, तो हम एयर से देखेंगे। ओके, बोले तो रेयर टू डेंसर मीडियम में देखेंगे। हमें पता है कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सीन कब होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सीन तभी होगा जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है हमारी आइज की रेटिना तक पहुंचेगी। इसका मतलब हम ऊपर से बॉटम को देख रहे हैं तो बॉटम हमें तभी सीन होगा जब बॉटम से लाइट है वो हमारी आइज की रेटिना तक पहुंचेगी। ओके, तो यहाँ पर हम बॉटम की इमेज हमारी आइज की रेटिना पर बनानी है तो इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। तो इस बॉटम से हम 2 लाइट रे ले लेते हैं, एक तो ये ले ली, ये तो देखो नॉर्मली जा रही है, देखो यहाँ पर ये इस सरफेस पर ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है चाहे वो रेरर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेरर जाए, अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो डेविएशन नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगी, वो सीधे की सीधे ही गमने कर जाएगी। ओके, दूसरी जो लाइट रे है उसको हमने ऐसे ऑब्लिक इंसिडेंट कर दी, कैसे इंसिडेंट कर दी, ऐसे ऑब्लिक इंसिडेंट कर दी।
ये ऑब्लिक्यू इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या होगी, बैंड होगी। किधर बैंड होगी वो देखो, ये क्या है, वाटर है। वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। वाटर टू एयर बोले तो डेंसर टू रेयर में जा रही है। तो पहले इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये इसके लिए नॉर्मल हो गया। इसकी एक्चुअल अगर देखे तो एक्चुअल जो है लाइट रे का एक्चुअल जो पाथ है वो ये है, ये इधर आती है तो ट्वाइस टू द नॉर्मल, इधर जाती है तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वाटर टू एयर बोले तो डेंसर टू रेयर जा रही है, कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर है। डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये ऐसे होगी। ओके, तो इस आइस के पास एक लाइट रे तो ये पहुंच रही है और एक लाइट रे ये पहुंच रही है, दो लाइट रे पहुंच रही है। ये लाइट रे तो एक्चुअल में यहाँ से आ रही है, इसको सीम हो रही है कि यहाँ से आ रही है, बट ये लाइट रे इसको कहाँ से सीम होगी, यहाँ से नहीं। इसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो इस आइस को ये लगेगा कि ये जो लाइट रे है ये दूसरी वाली, ये यहां से न आकर यहां से आ रही है। ओके, तो इसका मतलब दोनों जो लाइट रे है वो एक्चुअल में इस आई को यहां से न होकर यहां से आ रही है, यहां से आती हुई इसको सीम होती है। ओके, तो यहां से आती हुई सीम हो रही है तो एक्चुअली बॉटम यहां नहीं, इसको कहां दिखेगा, बॉटम यहां दिखेगा। बॉटम कहां दिखेगा, यहां दिखेगा इसको बॉटम। ओके, तो बॉटम है वो, इसकी एक्चुअल पोजीशन ये है, बट ड्यू टू द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर लाइट रिफ्रेक्ट होगी इसके कारण बॉटम है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से कुछ राइज हो गया है, बॉटम इसको यहाँ दिखेगा। समझ में आ गया, बॉटम क्यों ऊपर राइज हो गया, क्यों उठ गया, ड्यू टू द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट का रिफ्रेक्शन नहीं होता, यहाँ पर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं जाती, ऐसी सीधी चली जाती, तो ये लाइट रे इसको यहाँ से आती हुई सीम होती तो हमें बॉटम यहीं पर ही दिखता, लेकिन रिफ्रेक्शन हो रहा है इसके कारण हमें बॉटम जो है वो राइज हो गया। तो ये तो क्या होगी, उसकी एक्चुअल डेप्थ होगी, लेकिन अगर ऊपर से देखें तो हमें एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखेगी, ये इतनी गहराई दिखेगी इसे किसकी टैंक की। तो ये क्या होगी एच वन, ये क्या होगी, इसको अपारेंट डेप्थ बोलते हैं, अपारेंट डेप्थ ऑफ टैंक, इसको क्या बोलते हैं, अपारेंट डेप्थ बोलते हैं। ओके, इसको आभासी गहराई। ओके और नॉट ओके, ओके। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 ले लिया और इससे वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, NW है। ओके, तो इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और इस अपारेंट और एक्चुअल डेप्थ के टर्म में एक फॉर्मूला मिलेगा कि NWA दैट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, वायु के सापेक्ष से किसका, जल का अपवर्तनांक है, तो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का वो उस मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, बोले तो NW के इक्वल ही होगा। ओके, या आप इसको NW अपॉन NA लिखोगे, NA की वैल्यू 1 है तो NW ही आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू होगा एक्चुअल एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपारेंट डेप्थ। ओके, तो यहां से क्या मिल जाएगा, NW इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ कितनी है, एक्चुअल डेप्थ H2 है, डिवाइडेड बाय अपारेंट डेप्थ कितनी है, H1 है। दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एंड एक्चुअल डेप्थ एंड अपारेंट डेप्थ। अगर इन तीन क्वांटिटी में से अगर दो क्वांटिटी अगर हमें गिवन है तो हम थर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके और नॉट ओके, ओके। अब देखिए ये हमारे पास एक्चुअल डेप्थ है, ये हमारे पास अपारेंट डेप्थ है, ये क्या होगी, ये क्या है, देखो हमारा जो बॉटम है उसकी एक्चुअल पोजिशन ये है। ओके, ड्यू टू रिफ्लेक्शन हमें बॉटम है वो यहाँ पर सीन हो रहा है, तो ये जो बॉटम है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है वो हमने मान लिया, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है बॉटम कितना डिस्प्लेस हुआ है अपनी एक्चुअल पोजीशन से उसको हमने क्या मान लिया, डेल एच मान लिया।
कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ ऊपर की ओर, डेल एच हुआ है। तो हम डेल एच की वैल्यू निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि बॉटम हुआ अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो देखिए यहाँ से डेल एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए डेल एच इक्वल टू ये टोटल कितना है, एच टू है, और एच ये कितना एच वन, तो एच टू में से एच वन अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये मिल जाएगा डेल एच। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एच टू माइनस एच वन। ओके और नॉट ओके, ओके। यहाँ से देखो H1 की वैल्यू क्या होगी, H1 को इधर ले जाओ और NW को नीचे ले जाओ, तो H1 is equal to H2 upon NW। तो H2 is equal to H1 की जगह लिख दिया H2 upon, sorry, माइनस आएगा H2 upon NW। ओके और नॉट ओके। अब यहां से देखो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, H2 कॉमन है, तो H2 को हमने बाहर ले लिया, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एन ए डब्ल्यू। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉटम फ्रॉम ए एक्चुअल पोजीशन, ठीक है ना, बॉटम का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्चुअल पोजीशन से, ये बॉटम ऑफ कितना ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ है, ये आ गया। तो हमारे पास अगर एक्चुअल डेप्थ गिवन हो और हमें क्या गिवन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन हो, तो हम ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके और नोट ओके, ये समझ में आ गया ना, ओके। चमका कि नहीं चमका, चमका ना। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ हम एडवांस चीज और देखते हैं। ओके, जो अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं है लेकिन जो आपको मैंने पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, एडवांस लेवल की बात करें हम, ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो मैंने आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन भेजे हैं उसमें जो कई क्वेश्चन ऐसे जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड का टॉपिक नहीं है ये, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास कोई कंटेनर है, ओके, इसमें हम मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम फिल्ड न करके मल्टीपल ट्रांसपेरेंट मीडियम फिल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रांसपेरेंट मीडियम फिल्ड कर दिया हमने, ठीक है ना, जिनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मान लिया कि ये जो मीडियम है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और इसका म्यू टू है, इसका क्या है, म्यू थ्री है, और इनकी एक्चुअल जो डेप्थ है इसकी डी वन है, इसकी डी टू है, इसकी डी थ्री है। किसी भी कंटेनर में या किसी टैंक में या किसी पात्र में एक पारदर्शी माध्यम न भरा हो, अलग 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 अपवर्तनांक के पारदर्शी माध्यम में भरे हुए हो, जो आपस में घुलनशील न हो, मतलब मिक्सअप न हो, तो इसका इक्विवेलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसका तुल्य अपवर्तनांक क्या आना चाहिए पूरे मिक्सर का, ठीक है ना, पूरे इस विलयन का, पूरे सॉल्यूशन का, पूरे मिक्सर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या आना चाहिए। ओके, तो देखिए पहले हम सभी मीडियम के लिए अपारेंट डेप्थ निकाल सकते हैं, आभासी गहराई निकाल लेते हैं अपारेंट डेप्थ। ओके, तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि NW इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपारेंट डेप्थ। अपारेंट डेप्थ क्या होगी, अपारेंट डेप्थ H1 इज इक्वल टू क्या होगी, H2 अपॉन NW। इसी फॉर्मूले से हम सब की अपारेंट डेप्थ निकालेंगे। फर्स्ट वाले मीडियम की अपारेंट डेप्थ को हमने मान लिया कि डी वन डेज क्या है, डी वन डेज, तो डी वन डेज इज इक्वल टू एक्चुअल, देखो वहां पर एक्चुअल डेप्थ बोले तो डी वन डिवाइडेड बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वन है। सेकेंड वाले मीडियम की डी टू डेज बराबर क्या आ जाएगी, डी टू अपॉन म्यू टू। ओके, थर्ड वाले मीडियम की अपारेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, आवासी गहराई क्या हो जाएगी, डी थ्री अपॉन म्यू थ्री। तो इन सभी मीडियमों की अलग अलग हमने अपारेंट डेप्थ आवासी गहराई निकाल ली है। ओके और नॉट ओके, ओके ओके। अब हम इक्विवेलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तुल्य अपवर्तनांक निकालते हैं पूरे मीडियम का, पूरे सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, टोटल एक्चुअल डेप्थ
डिवाइडेड बाई टोटल अपारेंट डेप्थ, ओके और नॉट ओके, ओके। अब देखो टोटल एक्चुअल डेप्थ क्या होगी, इसके टोटल एक्चुअल डेप्थ क्या है, वो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री होगी। तो टोटल एक्चुअल डेप्थ तो आ जाएगी डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, और टोटल अपारेंट डेप्थ क्या है, इसकी डी वन डेज है, इसकी डी टू डेज है, इसकी डी थ्री डेज है, तो आ जाएगी डी वन डेज प्लस D2 days plus D3 days। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास D1 plus D2 plus D3 divided by इन सब की वैल्यू हम हमारे पास है, इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर दो, D1 upon mu1 plus D2 upon mu2 plus D3 upon mu3, ये हमारे पास क्या गया equivalent refractive इंडेक्स आ गया, तुल्य अपवर्तनांक आ गया इस पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है। हमें क्या दिया होगा, इन सभी मीडियम की एक्चुअल डेप्थ गिवन होगी, हमें इन सभी माध्यमों की वास्तविक गहराई दी गई होगी, और इन सभी मीडियम का, इन सभी माध्यमों का हमें अपवर्तनांक दिया होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, तो हमें इक्विवेलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से तुल्य अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, हो गए और नोट हो गए, ये समझ में आ गया सबके, आ गया है ना। तो आपको ये फॉर्मूला ही काम में लेना है, फॉर्मूला याद रखना है, पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल हमें फॉर्मूला यूज में लेना है न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर इसी फॉर्मूले को यूज में लेकर हम कई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास ये आया है कि जो इक्विवेलेंट है इक्वलेंट आया था D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन D1 अपॉन म्यू1 प्लस D2 अपॉन म्यू2 प्लस D3 अपॉन म्यू3, ये हमारे पास आया था, ओके। अब देखो अगर हमारे पास किसी टैंक में ओनली टू मीडियम फील्ड है, ओनली टू मीडियम फील्ड है, एक मान लो म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का है और एक म्यू वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, मीडियम दो मीडियम फील्ड है, ओके। और ये दोनों की जो डेप्थ है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल डेप्थ में दो जो मीडियम है वो फील्ड है जिनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन और म्यू टू है, तो इसका इक्वलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसी फॉर्मूले को यूज में लेकर हम निकालेंगे। देखो म्यू इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो T1 प्लस G2, यहाँ पर तीन थे यहाँ पर दो ही है, लेकिन दोनों की जो एक्चुअल डेप्थ है, ये एक्चुअल डेप्थ थी वो इक्वल है, तो D1 की वैल्यू भी D हो जाएगी और D2 की वैल्यू भी D हो जाएगी, तो D प्लस D, यहाँ पर D1 और D2 की जगह आएगा D आएगा, D अपॉन म्यू वन प्लस D अपॉन म्यू टू, ओके और नॉट ओके। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा, अपॉन देखो कॉमन क्या आ रहा है, D आ रहा है, यहाँ से एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा, म्यू वन म्यू टू, ओके। तो म्यू टू इधर चला गया, म्यू टू प्लस क्या आ जाएगा, म्यू वन आ जाएगा, डी से डी कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा टू म्यू वन म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ गया। अगर ये कंडीशन आपको गिवन हो, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं कि दो मीडियम है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, किसी वाटर टैंक में फील्ड है जिनके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये और ये है, और दोनों की जो एक्चुअल डेप्थ है वो, या हम कहें कि दोनों है वो सेम मतलब हाइट तक भरे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो दो के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए ये फॉर्मूला आएगा। हमें देखो एक्चुअल डेप्थ की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास फॉर्मूला आया है वो केवल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में आया है, डी से डी कैंसिल हो गया था, तो इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कितने भी आपको मीडियम गिवन हो सकते हैं, ओके। और हो गए और नॉट हो गए, तो नेक्स्ट जो फिनोमिना है
वो हम अगले वाले वीडियो में देख लेते हैं।